हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। देखिए, ऑपरेशन अजय सेट टू इवैक्यूएट इंडियन नेशनल्स फ्रॉम इजराइल। तो यहाँ पे हमने ऑपरेशन अजय स्टार्ट कर दिया है इंडियंस को ले आने के लिए। कहाँ से? इजराइल से। तो देखते हैं क्या है। इंडिया इज पुटिंग इन प्लेस अ मेजर ऑपरेशन टू इवैक्यूएट इट्स सिटीजन्स हु विश टू रिटर्न फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट हिट इजराइल। तो जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वहाँ से हम लोग यहाँ पे ले आएंगे अपने सिटीजन्स को ऑपरेशन विजय के थ्रू। अनाउंसिंग द इनिशिएटिव लेट ऑन वेंसडे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर सेड स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट्स आर बीइंग अरेंज्ड। तो यहाँ पे फ्लाइट्स अरेंज की जा रही है। दिस विल बी द सेकेंड इवैक्यूएशन दिस ईयर आफ्टर ऑपरेशन कावेरी दैट ब्रॉट बैक सेवरल थाउजेंड इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट टॉर्न सूडान इन अप्रैल में। ठीक है, यहाँ पे कावेरी सूडान से लेके आए थे। लॉन्चिंग ऑपरेशन अजय टू फैसिलिटेट द रिटर्न फ्रॉम इजराइल ऑफ आवर सिटीजन विश टू रिटर्न। जो आना चाह रहे हैं, हम फोर्सफुली तो नहीं ला सकते किसी को। स्पेशली स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट्स एंड अदर अरेंजमेंट्स आर बींग पुट इन प्लेस, फुली कमिटेड टू द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ आवर नेशनल्स अब्रोड। तो जो हमारे सिटीजन बाहर है, हमारे इंडियन सिटीजन्स, उनके लिए हम काफ़ी कंसर्न है। ये चीज़ यहाँ पे साफ तौर पर दिखाई जा रही है, और दिखाई जा रही है तो अलग चीज़ होगी, हम लोग हैं भी। द इंडियन एम्बेसी इन द तेल अवीव, अब देखिए तेल अवीव, सेड दैट इट हैज़ ईमेल्ड द फर्स्ट लॉट ऑफ द रजिस्टर्ड इंडियन सिटीजन फॉर द स्पेशल फ्लाइट दैट इज एक्सपेक्टेड टू टेक ऑफ फॉर इंडिया ऑन थर्सडे। मैसेज टू अदर रजिस्टर्ड पीपल विल फॉलो फॉर सब्सिक्वेंट फ्लाइट, सेड ऑन सेड द एम्बेसी ऑन ट्विटर, यानी कि एक्स। द अनाउंसमेंट हैज़ कम आफ्टर डेज डेज आफ्टर एयर इंडिया सस्पेंडेड इट्स सर्विस इन दी दिल्ली टेल अवीव रूट एज हमास कैरिड आउट क्रिपलिंग अटैक ऑन इसराइल लास्ट सैटरडे। तो एयर इंडिया ने वहाँ पे अपना फ्लाइट ले जाना ले आना टेल अवीव में दिल्ली से छोड़ ही दिया है। फॉलोइंग दैट ग्राउंड स्काई सी अटैक, इसराइल हैज लॉन्च अ मैसिव मिलिट्री स्ट्राइक अगेंस्ट गाजा स्ट्रिप। द रैपिड एस्केलेशन हैश ऑल्सो ड्रॉन दी हेजबोला इन सडन लेबनन विच हैज़ लॉब्ड रॉकेट एट इजराइल्स नेशनल टेरिटरी ड्राइंग इजराइली स्ट्राइक्स। द सिचुएशन हैज़ ऑल्सो टर्न द स्काई अबाउ इजराइली रिस्की, प्रॉम्प्टिंग कैंसलेशन ऑफ मैनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स। अ सोर्स इंडिकेटेड दैट द स्केल ऑफ ऑपरेशन अजय विल डिपेंड ऑन डिमांड एंड द गवर्नमेंट विल आर्ग्यूमेंट कैपेसिटीज डिपेंडिंग ऑन फर्दर नीड। कंट्रोल रूम सेटअप भी हो गया यहाँ पे। इंडिया हैज़ बीन preparing for its escalating situation soon after conflict erupted on Saturday. On Wednesday, the Ministry of External Affairs set up to 24 a control room which will operate simultaneously from Delhi, Tel Aviv and Ramallah in Palestinian territory. There are at least 900 Indian students who are enrolled in various Israeli universities and institutions. That apart, a large number of trader, IT professional, domestic worker and caregivers work in Israel. A significant part of Israel population of Indian origin Jews who trace back their background to Kochi, Kolkata and Mumbai. After the outbreak of the hostilities, Meghalaya Chief Minister Konrad Sangma had brought to notice that the pilgrims were stuck in Bethlehem in Palestinian territory and sought assistance from the External Affairs Minister to evacuate them. अब देखते हैं इस आर्टिकल में हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऑपरेशन अजय कहाँ पर हुआ? इसराइल में। ऑपरेशन कावेरी कहाँ हुआ? सूडान में। अब आप मुझको बताइए कि यूक्रेन से जब हम निकाल रहे थे अपने सिटीजन को, जब रशिया वर्सेस यूक्रेन स्टार्ट हुआ था, तो उस ऑपरेशन का क्या नाम था? ये दोनों तो इसी साल हो गए आपके 2023 में, ये आपका 2022 में हुआ था, और ये युद्ध तो अभी भी चल ही रहा है। तो बस इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। और जैसे मैंने आप लोगों को मैप में एक बार दिखा चुका हूँ मैं, ये इसराइल है, यहाँ पे आपका मेडिटेरेनियन सी है, नीचे में आपका इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला है, इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला है, क्या हो गया ये, इजिप्ट
इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला है, आप इधर में देखिए जॉर्डन है, ऊपर में लेबनन है, यहाँ पे सीरिया है, सीरिया क्या आ गया आपका, इराक, इराक क्या आ गया आपका, ईरान, ईरान क्या आ गया आपका, पाकिस्तान, पाकिस्तान क्या आ गया आपका, इंडिया। तो अब इराक जॉर्डन भी बॉर्डर शेयर करते हैं और इराक सीरिया भी बॉर्डर शेयर करते हैं। अब आप इंडिया से जाना चाह रहे हैं तो एक रूट आपके पास ये है। तो बस ये हमारा लोकेशन, यहाँ पे गाज़ा पट्टी है, गाज़ा स्ट्रिप है, यहाँ पे लड़ाई चल रही है, ये आपका वेस्ट बैंक है, यहाँ पे जेरूसलेम है जो इसका कैपिटल बोला जाता है, और यहाँ पे आपका तेल अवीव जहाँ पे हमारी एम्बेसी है, ये आप देखिए ये तेल अवीव पोर्ट सिटी, सारी एम्बेसीज मोस्टली यहीं पर तेल अवीव में है। तो ये था आपका इसराइल का, ये बीच में आपका इसराइल, मतलब बीच में क्या, ये मैप ही इसराइल का है, और ये आपका वेस्ट बैंक। तो यहाँ पे लड़ाई चल रही है, इन्होंने बॉम्बार्डिंग की, फिर ये रिटेलिएट कर रहे हैं, फिर लेबनन ऊपर से कूदने की कोशिश कर रहे हैं, कूद रहे हैं। तो बस ये लोकेशन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और हम हमारी एम्बेसी तेल अवीव में है, और ये ऑपरेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए हमारी कंट्री कितना हमारे सिटीजन्स का ख्याल रखती है, हमारा ख्याल रखती है, इंडिया में चाहे वो रहे चाहे वो इंडिया से बाहर रहे। सो थैंक यू गाइज, एंड प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।